नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र पांडे पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ। और काफ़ी दिनों से मैं अनुपस्थित रहा आप लोगों के मध्य, यूट्यूब पे नहीं आ पाया। हालांकि इस बीच में मैं अपने बच्चों के साथ ऑफलाइन क्लास में उपलब्ध था और बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, जो भी जानकारियाँ सिर्फ हम लगातार साझा कर रहे थे। इस बीच में हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आएँगे और चौथे सेमेस्टर की क्लासेस लेकर के आएँगे। कुछ असुविधा और व्यस्तता इसकी वजह से हम वीडियो नहीं लेके आ पाए। फिलहाल अब उपस्थित हैं तो आज के संदर्भ में चर्चा करते हैं। देखिए, आज हमने क्या किया है कि एक प्रैक्टिकल के तौर पे एक पीओ की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन जो विगत वर्ष यूपी टेट 2018 में पूछे गए थे आपको, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से जो प्रश्न याद थे उनको हमने इकट्ठा किया है और उसके साथ हमने कुछ विकल्पों को भी रखा है। और हम करेंगे क्या, अब जो नए वीडियोज हमारे आएंगे उन वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस देंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके चार विकल्प हैं चारों पे चर्चा करेंगे कौन सा सही होगा, किस आधार पे सही होगा। उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस आज मैंने लिखे हैं। अभी आपको करना क्या है कि वीडियो को देखिए और हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं और विथ ऑप्शन के साथ जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आपको नीचे हमें सपोर्ट करना है कि हाँ मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ, इससे आपको बेनिफिट कुछ मिलेगा या नहीं मिल रहा है इस सभी संदर्भ में आपको बताना होगा। फिर मैं आगे की वीडियोज़ लेकर के आऊँगा और अगले वीडियोज से आपको 30 से 40 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेंगे। अभी मैंने यहाँ पर लिख करके आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में आप देखेंगे और भी तरीके हैं जिनसे मैं क्वेश्चन साझा कर सकता हूँ आपको। तो ये सब विगत वर्ष प्रश्न पत्र में आए हुए हैं और सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। हालांकि इसके चार विकल्प थे, वो चारों विकल्प बहुत बड़े बड़े थे और लिखने के लिए जगह थोड़ी कम पड़ती। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम पूछा गया इसका मतलब है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में आप देखेंगे कि जो भी शिक्षण कार्य हम करने जाते हैं उसके पीछे कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को बी एस ब्लूम ने 1956 में डिवाइड किया है और बताया ब्लूम महोदय ने कि शिक्षण उद्देश्य तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या कौशलात्मक। तो उसमें से ज्ञानात्मक क्षेत्र था उसी को संज्ञानात्मक यहाँ पर लिखा गया है। आप देखेंगे कि उसके लिए हम तीन एच का भी प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जाए कि तीन एच, थ्री एच की शब्दावली का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो तीन एच की जो शब्दावली है उसका प्रयोग पहले का है ज्ञानात्मक, यानी कि हेड से है, जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, हेड से सूचना मिलती है। दूसरा का हार्ट यानी कि हृदय से है और वो भावात्मक क्षेत्र है। और तीसरा जो है उसको हारमोनिक कहते हैं यानी कि गत्यात्मक, जिसको हम क्रियात्मक भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, पहला तो ये कि अगर पूछा है कि थ्री एच यानी कि तीन एच का संबंध किससे है, तो वो जो तीन एच है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र और के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और क्रियात्मक क्या कौशलात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। यूपी टेट 2018 में जो पूछा गया था वो संज्ञानात्मक क्षेत्र का पूछा गया था। तो मैंने आपसे कहा कि 1956 में ब्लूम महोदय ने इस प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था और महोदय ने बताया कि तीन प्रकार के शिक्षण उद्देश्य होते हैं हमारे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उसमें से जो पहला वाला है उसको हमने कहा कि ज्ञानात्मक क्षेत्र है, उसके सही क्रम की बात की जाए तो आप देखेंगे सबसे पहले ब्लूम महोदय कहते हैं ज्ञान होना चाहिए आपको, ज्ञान के बाद आपका बोध आएगा, बोध के बाद आपका अनुपयोग आएगा और अनुपयोग के बाद क्या आएगा आपका विश्लेषण आएगा, और इसको आप लोगों से चलिएगा विश्लेषण आएगा, विश्लेषण के बाद आपका संश्लेषण और मूल्यांकन आएगा। संश्लेषण और मूल्यांकन अगर संभव आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, और ये आपके छह चरण हैं। और ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये छह के छह चरण जो कि व्यवस्थित क्रम में है, इसका मतलब डिसऑर्डर आप इनको नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ज्ञान होगा, फिर बोध होगा, अनुप्रयोग होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, और ध्यान आपका क्या होगा, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन होगा। देखिए ज्ञान का मतलब क्या है कि जो ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य हैं, यहाँ पर ब्लूम महोदय कहते हैं कि बालकों को अधिक से अधिक सूचनाएं देने का प्रयास किया जाए और जानकारियां आप तक साझा की जाती है, क्योंकि जो भी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उसमें हम पहले क्या करते हैं, आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं, फिर ये प्रयास होता है कि उस जानकारी का आपको बोध हो जाए और बोध होने के बाद आप उसका जीवन के क्षेत्र में कौशल के रूप में प्रयोग कर सके, तीन उद्देश्य होते हैं। तो पहले वाले में ज्ञान यानी कि जानकारी देना, फिर उसी जानकारी का आपको बोध हो जाए, बोध के बाद उसका अनुपयोग कीजिए, फिर विश्लेषण कीजिए यानी कि उस सूचना के संदर्भ में जितनी गहराई तक आप जा सकते हैं, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, विश्लेषण छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट लीजिए, जैसे भी करके आप अधिक से अधिक सूचनाएं इकट्ठा कीजिए। फिर विश्लेषण का मतलब उसके बाद जो संश्लेषण यानी कि जिन चीज़ों को आपने विस्तार रूप दिया है उनको क्या कीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। जैसे हम क्या देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है,
तो उसमें बिखरे हुए प्रकाश को इकट्ठा करती है पत्तियां, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी तरह से आपको क्या करना है, विश्लेषण यानी कि सूचनाओं को आपने जो व्यक्त किया उनको क्या करेंगे हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर क्या करेंगे मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन किसका, जो जानकारी दी गई थी, जिसका आपको बोध हुआ था, जिसका आपने अनुपयोग किया, विश्लेषण संश्लेषण किया, उसी का आप मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षण के उद्देश्य तीन प्रकार के, नोट कर लीजिएगा अगर आपको आवश्यकता है। तो शिक्षण के उद्देश्य तीन प्रकार के, बी एस ब्लूम ने बताया 1956 में कि आप देखेंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष का जो चरण है उसके तहत छह चीजें आती, ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका वर्गीकरण भी ब्लूम महोदय ने 1956 ईस्वी में किया। बाकी के आपके दो बच्चे भावात्मक क्रियात्मक अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा, सॉल्व करना होगा आपको। फिर आप थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि जो भावात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण ब्लूम और प्रेसवाल ने 1964 में किया, यानी कि 1964 ईस्वी में किया। वहाँ भी छह चरण बताया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेगा। और फिर तीसरा जो उद्देश्य है उसको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक, कौशलात्मक या चेष्टात्मक कह सकते हैं। अब देखेंगे कि उस पक्ष का जो वर्गीकरण है उस पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन महोदय ने किया 1969 में, यानी कि 1969 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मे बी यहाँ से एक क्वेश्चन अगेन यानी कि फिर से आपको 2018 और 2019 यूपीटेट में मिल जाए, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न लिखा गया है आपको कि क्वेश्चन यहाँ से पढ़िएगा, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है तो मैंने क्या किया है, यहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। अच्छे शिक्षण की विशेषता आपसे पूछी गई है तो उसके लिए चार विकल्प दिए गए, पहला है जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, शिक्षाचारी और वांछनीय सूचना देगा। देखिए आपने हमारे साथ निरंतर अपने क्लास किया होगा या फिर जिन बच्चों ने नहीं किया उनको हम बताएं कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों पर ही आधारित करके प्रश्न पूछा गया। अच्छे शिक्षण मतलब शिक्षण तो हर कोई करता है, सिखाने का प्रयास तो हर कोई करता है, बट बेहतर तरीके से कौन करता है, अच्छा किसका होता है, प्रभावशाली किसका होता है, उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या जनतांत्रिक, हमने बच्चों को बताया भी निरंतर हम कहते हैं कि प्रजातांत्रिक आचरण का सिद्धांत होना चाहिए शिक्षण के टीचिंग में। इसका मतलब कि जितने स्टूडेंट आपके सामने हैं वो सभी आपके लिए क्या केवल स्टूडेंट हैं, जैसे बैठे कि वो आपके अच्छे रिलेशन में आता है कि नहीं आता, आपका उसके साथ व्यक्तिगत संबंध है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें कोई मामला नहीं होता है। क्या कि वो विद्यार्थी है और आप क्या हैं, टीचर हैं, बस इतना। वहाँ फिर आप कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, लिंग, इन सारी चीज़ों का भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, आपको केवल विद्यार्थी के दृष्टि से देखना। और विद्यार्थी तो क्वेश्चन पूछेंगे तो सभी से पूछेंगे, अगर कोई और बात कोई जानकारी साझा करते हैं कुछ भी, जो कुछ भी होगा सभी के लिए होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो पहला तो ये उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कि अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है कि आपका आचरण कैसा हो, जनतांत्रिक हो। और पूछा क्या गया, नहीं पूछा गया है, हाँ एक चीज़ ये भी अब ध्यान दीजिएगा कि यूपीटेट में जो नया ट्रेंड है, अथवा सीटेट की बात कर लें तो यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके पीछे नहीं शब्द जोड़ देता है और जनरली हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन पूछेगा उसमें नहीं वाला विकल्प पूछता है। हालांकि इस बार जो जुलाई में हुआ था सीटेट उसमें एक बेहतर कार्य किया गया था कि जो नहीं वाले शब्द थे उन सभी को अंडरलाइन किया था, और यूपीटेट में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा इस प्रकार की। तो पहला जनतांत्रिक विकल्प भी अच्छे शिक्षण की विशेषता है, आपको नहीं बताना है। दूसरा आपका सहानुभूतिपूर्ण, ये भी आपका अच्छे शिक्षण की विशेषता है। तीसरा देखिए स्वेच्छाचारी, और चौथा है वांछनीय सूचना देने वाला। तो इसमें हम देखिए कौन सा विकल्प नहीं होगा, तो स्वेच्छाचारी ये विकल्प अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न के आधार पर यही आपका सही विकल्प होगा कि पूछा गया अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है तो स्वेच्छाचारी, यानी कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और टीचिंग करते हैं कि जब जो मन करेगा वो पढ़ा दिया, एग्जाम्पल्स अपने अकॉर्डिंग मैंने दे दिए, अपनी रुचि के अनुसार मैंने चीज़ों को पढ़ा दिया, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे उनको मैंने छोड़ दिया, इजी टॉपिक्स को मैंने प्रेजेंट दिया। तो यहाँ स्वेच्छाचारी इस प्रश्न के आधार पर तो अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाचारी विशेषता नहीं है। और अगर देखा जाए तो क्या क्या होना चाहिए अच्छे शिक्षण में, तो जनतांत्रिक आचरण होना चाहिए, आपका बिहेवियर जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और फिर देखिए चौथा है वांछनीय शिक्षा देने वाला। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो जो शिक्षण उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं उससे संबंधित जो भी सूचना है वो आप तक साझा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर शिक्षण का उद्देश्य जो उसको भी पूरा हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर देख लीजिए यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होगा, स्वेच्छाचारी आपका इस प्रश्न के आधार पर सही है, और अदर टाइप से देखा जाए तो अच्छे शिक्षण की विशेषता में आपका जनतांत्रिक आचरण आएगा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आएगा और वांछनीय सूचना देने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
पहला ये अल्ब्रेडा का सिद्धांत है, मतलब कि अल्ब्रेडा का सिद्धांत किसने दिया है, थोड़ा मैंने शॉर्ट टाइप में लिखा है। पहला मैक्सवेल की हर्ज़बर्ग का, फिर विक्टर ब्लूम का और स्पिनर का। तो ये सब आपको पता है कि जो अल्ब्रेडा का प्रत्यास्थ सिद्धांत है विक्टर ब्लूम का है, यहाँ विकल्प सही है। अगर मैं अन्य विकल्प के संदर्भ में बात करूँ तो देखिए मैक्सवेल का जो सिद्धांत है अल्ब्रेडा का, उसको हम क्या कहते हैं, पदानुक्रमिक सिद्धांत, या उसको हम आवश्यकता सिद्धांत भी कह सकते हैं, अल्ब्रेडा का आवश्यकता सिद्धांत। आपने लगातार पढ़ा है कि मैस्लो बताते हैं कि मनुष्य की 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं के कारण ही जो मनुष्य है वो निरंतर अत्यधिक रहता है, कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, उसको अपने लक्ष्य तक ले जाना। फिर इसमें आप देखेंगे प्रेरणा के मैं बहुत सारी चीज़ें मैं साझा कर सकता हूँ आपके साथ। जैसे देखिए पूछा जाए कि प्रेरक मोटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली मोटिव्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं जन्मजात, और दूसरे को हम क्या कहते हैं आर्जित कहते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेट में ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा कर लूँ थोड़े समय में। तो आपको क्या करना होगा, इसकी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा कम करके देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए प्रेरणा के संदर्भ में बात करूँ तो प्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, उसको अपने लक्ष्य तक ले जाना। इसका मतलब कि हम किसी कार्य को क्यों करते हैं, कब करते हैं, सभी प्रश्नों क्या क्यों कैसे जो प्रश्न हैं इनका जवाब कौन देता है, प्रेरणा, जिसको आप प्रेरणा भी कह सकते हैं, मतलब कि इंग्लिश में आपको कहना हो आगे भाषा में तो उसको मोटिवेशन कहते हैं। तो ये अप्रेरणा के 2 अध्ययन होते हैं, मोटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक जन्मजात होता है, दूसरा आपका अर्जित होता है। यानी कि ऐसी चीजें जो बाई बर्थ हमको मोटिवेट करती है कार्य करने के लिए, उसको हम क्या कहें जन्मजात प्रेरक कहेंगे। और जिन चीज़ों को हम वातावरण से प्राप्त करते हैं उसको हम अर्जित प्रेरक करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि भूख प्यास निद्रा ये सब क्या है, ये सब जन्मजात प्रेरक हैं जो जन्म के साथ आपने पाए गए, हमारे अंदर पाए गए, और इनकी वजह से निरंतर क्रियाशील रहते हैं। देखिए भूख लग जाती है भोजन की आवश्यकता में तो हम क्रियाशील हो जाते हैं, और जो चीज़ों हम जिनको हमने वातावरण से प्राप्त किया है उसको हम आदित प्रेरक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि पुरस्कार हो जाए, दंड हो जाए, या हम कह लें कि आपकी इच्छा हो जाए, आदत हो जाए, सम्मान हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब आदित प्रेरक के अंतर्गत आएंगे। फिर एक और फेमस क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो आप कह सकते हैं कि प्रेरणा के 3 तत्व होते हैं, आवश्यकता, अंतर्नुभव। तो हम बात करेंगे इसके बाद हम यहाँ जाते हैं मैस्लो का जो आवश्यकता सिद्धांत है प्रेरणा का, या उसको पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। मैस्लो 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के और जो प्रेरणा के सिद्धांत हैं वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। 5 प्रकार में सबसे निम्न स्तर की दैहिक आवश्यकता है, और सबसे उच्च स्तर की हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं कि आपकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। बाकी बीच में और भी कई सारी हैं, जैसे हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकता बताते हैं, लेकिन यहाँ आपके प्रश्न का मैस्लो आवश्यकता सिद्धांत ही। हर्ज़बर्ग की बात करें तो हर्ज़बर्ग महोदय ने अल्ब्रेडा के 2 कारक सिद्धांत दिया है, मतलब कि पूछा जाए कि प्रेरणा का 2 कारक सिद्धांत किसने दिया, तो हर्ज़बर्ग ने। आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है, एक 2 कारक सिद्धांत और आप पढ़ते हैं, वो आप पढ़ेंगे बुद्धि के संदर्भ में, इंटेलिजेंस में, जहाँ आप 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ते हैं बाई CMM, एक आपका सामान्य कारक और दूसरा आपका विशिष्ट कारक, सामान्य को जी से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट को एस से प्रदर्शित करते हैं, वो सारी चीजें। पर अभिप्रेरणा का 2 कारक सिद्धांत पूछा जाए या 2 खंड सिद्धांत पूछा जाए प्रेरणा का, तो ये हर्ज़बर्ग का है। फिर आप विक्टर ब्लूम को पढ़ाए हैं जिनका प्रत्यापक सिद्धांत ही है, पूछा गया सीधे तो ये यूपीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यूपीटेट 2018 में विक्टर। और फिर देखिए स्किनर का, तो स्किनर का संबंध मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभिप्रेरणा से नहीं है। जो स्पिनर का संबंध वो लर्निंग से है, अधिगम से है, और इनके सिद्धांत है जिसको हम सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत या क्या सिद्धांत कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंध, बहुत सारे नाम है, मैं आगे चर्चा करूंगा, बट यहाँ ये अप्रेरणा से रिलेटेड नहीं है। फिर देखिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कौन सा पद है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद पूछा गया, इसको मेंशन तुरंत कीजिएगा। देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या है कि हम इस संदर्भ में चर्चा लगातार कर रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो छात्रों के जो छात्र अध्यापक उसके शिक्षण कौशल का विकास में सहायक होता है। कम समय में कम छात्रों के लिए हम किसी एक कौशल को लेकर जो गतिविधि करते हैं उसको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। अगर और सारी ढेर सारी जानकारी आपको चाहिए तो मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर दूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाए किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किसने किया, मतलब कि जिनको हम सूक्ष्म शिक्षण कह सकते थे, तो आप कहेंगे कि 1961 में सबसे पहले डी एलन ने इस प्रकार की गतिविधियों का उपयोग जो है शिक्षण कौशल के विकास के लिए किया। फिर हम पढ़ते हैं कि 1963 में डी एलन इन्हीं को हम सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता मानते हैं, आप पढ़ेंगे जनक माना जाता है, जन्मदाता या जनक माना जाता है किसको,
डी एल एन महोदय को सूचना शिक्षण का, और सबसे पहले 1963 में इस शब्द का प्रयोग भी हुई किया। अगर आपको पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि 1967 यानी कि 1967 ईस्वी, जिसको हिंदी में कहते हैं 1967 ईस्वी में डॉक्टर डी डी तिवारी जी ने सबसे पहले स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में इस प्रकार के चीज़ों का प्रयोग किया था, जिसको क्या कहा गया सूक्ष्म शिक्षण। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके पद प्रथम पद पूछा गया है तो बच्चे प्रथम पद इसका क्या होगा, योजना बनाना, वी कैन से प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसके बाद देखिए शिक्षण, तो शिक्षण इसको हम द्वितीय पद के रूप में देख सकते हैं कि शिक्षण द्वितीय पद होता है, योजना बनाना पद, प्रतुष्टि को हम तीसरा पद कह सकते हैं और तीसरा पद होता है, और प्रस्तावना इसके अंतर्गत नहीं आता है। आप देखेंगे कि शिक्षण कौशल में हम पहला शिक्षण कौशल उपयोग करते हैं उसको प्रस्तावना कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण के कितने कद होते हैं तो दिया स्टेप्स ऑफ माइक्रो की, पहले को हम क्या कहते हैं नियोजन करना, या हम उसको कहते हैं तैयारी करना, नियोजन करना, दूसरे को हम क्या कहते हैं प्रस्तुतिकरण कहते हैं बच्चों, प्रस्तुतिकरण कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं शिक्षण भी कहते हैं, और इसका तीसरा आप देखेंगे इसको हम प्रतिपुष्टि कहते हैं, या आप उसको प्रतिपोषण भी कह सकते हैं, और जो चौथा पद होता है उसको हम क्या कहते हैं रीप्लानिंग कहते हैं, पुनर्नियोजन हम उसको कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ से यहाँ से लिखते करते इस बार भी आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा। पांचवें पद की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण, और जो छठवां पद होता है उसको हम पुनः प्रतिपुष्टि कहते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि या पुनः पुष्टिपोषण। अब एक और प्रश्न आता है कि सूक्ष्म शिक्षण कितने चक्र में कितने समय में पूरा होता है, तो एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है सर्कल जो है वो 36 मिनट में कंप्लीट होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एक डीएलएड का एग्जाम हुआ है, आपको देखने वहाँ पूछा गया था कि एनसीटी का पूरा नाम क्या है, तो एनसीटी का पूरा नाम का मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, और वो बताती है कि 36 मिनट में एक माइक्रो टीचिंग सर्कल कंप्लीट होता है, और इस नियोजन के लिए प्लानिंग के लिए आपको कोई समय नहीं दिया जाता, और जो प्रस्तुतिकरण होता है वो आपका 6 मिनट का होना चाहिए, प्रतिपुष्टि आपकी 6 मिनट की होनी चाहिए, पुनः नियोजन भी आपका 6 मिनट का होना चाहिए, सॉरी पुनः नियोजन आपका 12 मिनट का होगा ध्यान दीजिएगा, और पुनः प्रस्तुतिकरण भी आपका 6 मिनट का होगा, और पुनः प्रतिपुष्टि भी आपका 6 मिनट का होगा, मतलब कुल मिलाकर 36 मिनट में आपका एक माइक्रो टीचिंग सर्कल कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन करें जल्दी से, फिर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में इनका निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, तो पहले ये जानिए कि ये स्तर क्या है, तो दिया 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के 3 स्तर हैं क्या, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो अवबोध स्तर से पूछा गया है, आप पहले ध्यान देंगे सबसे पहले आता है स्मृति स्तर, इसको हम क्या कहते हैं शिक्षण का सबसे निम्न स्तर कहते हैं, इसमें हम ज्ञानात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का शिक्षण करते हैं, और ये सबसे निम्न स्तर का है, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा स्तर पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आया बोध स्तर, इसको हम कहते हैं कि यह इसके अंतर्गत हम मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग करते हैं, इसके मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का, और ये जो भावात्मक उद्देश्य हैं शिक्षण के उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहते हैं। तो इसमें पूछा गया तो देखिए ये अन्वेषण जो शब्द लिखा गया चौथा विकल्प जो है आपका, ये अवबोध स्तर का पहला चरण है अन्वेषण। अगर आप देखेंगे अनुप्रयोग करना, तुलना या संबंध करना, तो ये सब पहले के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर तीसरा जो शिक्षण का स्तर है उसको हम क्या कहते हैं चिंतन स्तर, यानी कि इसमें बालक के क्रियात्मक पक्ष को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, और ये शिक्षण का सबसे उच्च स्तर होता है। इसमें आप देखेंगे कि हंट महोदय के शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग करते बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा कि शिक्षण के 3 स्तर स्मृति बोध और चिंतन स्तर। यहाँ प्रश्न जो पूछा गया बोध स्तर से पूछा गया, स्मृति स्तर में आप देखेंगे तो हंट की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग करते हैं, पांच पद की बात करें तो कहते हैं तैयार प्रस्तावना व तैयारी करना, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करना, फिर तुलना व संबंध बताना, फिर कहते हैं इसका स्व सामान्यीकरण करना, और पांचवा पद जो कहते हैं प्रयोग को अभ्यास, ये 5 पद हैं सिक्वेंस में है, इसको याद कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चार संख्यात्मक अवस्था का समय, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके यूपी के सीटेट के दृष्टि से इसको ध्यान दीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा जाए तो जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया, जीन पियाजे के संबंध में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जीन पियाजे का जो संबंध है वो स्विट्जरलैंड से है, और ये बताया जाता है कि ये स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक थे, और इन द 21 ईयर्स ओल्ड मतलब कि 21 वर्ष की आयु में जीन पियाजे ने पीएचडी की थी जीव विज्ञान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 21 वर्ष में जीन पियाजे ने पीएचडी कैसे कर डाली, लेकिन आप क्लास करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा प्रतिभाशाली बालकों के समायोजन में बहुत सारे तरीके आते हैं, तो ये शायद प्रतिभाशाली वाले रहेंगे, इसका मतलब इनकी आईक्यू 130+ थी। और हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या पहले जीव वैज्ञानिक थे, ये अल्फ्रेड बिने के संपर्क में आया जिस समय प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बनना था, तो ये वहाँ से डाइवर्ट हो गए साइकोलॉजी के सेक्टर में,
और जी त्यागी ने संज्ञान से विकास सिद्धांत उत्पादन किया, चार अवस्थाएं बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अवस्था को हम संवेदी पेशी या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, समय आप तो कीजिए जीरो या जन्म से दो वक्त तक। दूसरी को हम क्या कहते हैं, वही पूछा गया था ध्यान से, यहाँ पर पूछा गया प्राक संक्रियात्मक अवस्था का समय, तो इसको बच्चों के हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए प्री ऑपरेशनल स्टेज कह लें या इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था के लिए। इसका समय क्या बताया गया है, आप देखेंगे कि दो से सात वर्ष तक बोला गया पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरी जो अवस्था है उसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त या पोस्ट संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथी जो अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें की औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कभी आने वाले समय में इसके साथ विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी आपने पूछेगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या, तो बच्चों ये पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था इसको नोट कीजिएगा, ये जीरो से दो वर्ष में इसको हम संवेदी पेट की अवस्था कहते हैं या संवेदी गामक अवस्था, तो हम इसको एंजियोजेनिक अवस्था भी कह सकते हैं, सेंसिंग मोटर स्टेज। सात से ग्यारह वर्ष को देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और चौथा ग्यारह वर्ष से ऊपर जो आपकी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने साझा की, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके ही फीडबैक भी हमारी अगली वीडियो भेज होगी। ये टाइप जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया वो आपके लिए यूजफुल है अथवा नहीं है, पर्याप्त जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, सारी चीज़ों को मैंने बहुत छोटे समय में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, अधिक से अधिक सूचनाएं भी दी। थोड़ी सी स्पीड का इशू हो सकता है, बट मुझे पता है आप लोग प्रतिभाशाली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद भी दूसरा ऑप्शन है, यूट्यूब से जाकर के आप प्लेबैक स्पीड को शुरू कर सकते हैं। पहली आपको कोई समझ, बट हाँ आप इस चीज़ को जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर आपके वीडियो आपने देखा, वीडियो को लाइक नहीं किया, उस पर कमेंट नहीं किया, तो पक्का बता रहा हूँ अगला वीडियो आएगा नहीं। आपको मेरी आदत से वाकिफ़ी है, दबाए मिलते हैं।